नॉर्थ अटलांटिक ओशन में नॉर्वे और आइसलैंड के बीच में डेनमार्क की एक सेल्फ गवर्न ऑटोनॉमस टेरिटरी है फेरो आइलैंड। फेरो आइलैंड जाना जाता है अपने लैंडस्केप्स के लिए, सुंदरता के लिए, रिमोटनेस के लिए और जून से अक्टूबर के महीने के बीच में होने वाले समुद्री तटों के लाल पानी के लिए। समुद्री तटों का ये लाल पानी किसी नेचुरल फिनोमेना के कारण नहीं होता है, ये होता है एक ट्रेडिशनल इवेंट के वजह से जिसे ग्राइंड कहते हैं। इस ग्राइंड में फेरो आइलैंड के लोकल्स अपनी हंटिंग बोट पर सवार होकर समुद्र में जाते हैं, डॉल्फिन्स या व्हेल्स का झुंड को आइडेंटिफाई करके सेमी सर्कुलर वे में उनको घेर कर पुश करते करते समुद्री तट के किनारे ले आते हैं और वहाँ पर जो कोई भी लोकल्स अब होते हैं शैलो वाटर में इन डॉल्फिन्स और व्हेल्स के आते ही चाकू, छुरा, हरपून्स, हथियार, नोकीली कोई भी चीज़ लेके, स्पाइक लेके उन पर अटैक करके उनको मार देते हैं। ऑन एन एवरेज हर साल 500 से 600 डॉल्फिन्स या व्हेल्स वहाँ पे मार दिए जाते हैं, पर 12 सितंबर 2021 के दिन एक ही हंट में इसी एक्टिविटी के बीच में वहाँ पर 1428 डॉल्फिन मार दिए गए, जो इतना ख़तरनाक रहा कि पूरे दुनिया वालों का और इवन वहाँ की गवर्नमेंट को भी उन्होंने दहला कर रख दिया। आफ्टर दिस इवेंट वहाँ के गवर्नमेंट कहती है कि द एस्पेक्ट ऑफ कैच इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री। कैच मेरी समझ में तो इसे मैसेकर कहते हैं। इसके बावजूद भी फेरो आइलैंड के लोग आपस में सेलिब्रेट कर रहे थे, डॉल्फिन और डॉल्फिन के मीट के बनाए हुए पकवान लोगों में बांट रहे थे और वैसे तो फेरो आइलैंड की जनसंख्या सिर्फ 50,000 है और उन 50,000 में से भी सिर्फ 17% लोग ही डॉल्फिन्स या व्हेल के मीट को खाना पसंद करते हैं। तो इतने सारे डॉल्फिन्स के बाद में क्या होगा, वो ऐसे ही कचरे के फॉर्म में ओशन में ही डंप कर देते हैं। फेरो आइलैंड के लोग इसे अपने एंसेस्ट्रल ट्रेडिशन और कल्चर का नाम देते हैं और अपना प्राइड फील करके अपने आप को वाइकिंग से जोड़ते हैं। हर साल जून से अक्टूबर के बीच में वो ये इवेंट मनाते हैं और इसमें अपना प्राइड फील करते हैं, लोगों में मीट बांट के खाते हैं और वो बताते हैं कि ये मीट उनके डाइट का हिस्सा होगा। मैं समझ सकता हूँ कि हर किसी को अपना अपना कल्चर, संस्कृति प्रिय होती है, लेकिन कोई संस्कृति क्रूरता नहीं सिखानी चाहिए। पर्यावरण के महत्वपूर्ण बुद्धिजीव भोले भाले मनुष्य के प्रिय जानवर को मारकर अपने भोजन का हिस्सा बताना, उनका हत्याकांड करना संस्कृति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और अगर फेरो आइलैंड के लोगों की बात करें तो ऐसा भी नहीं है कि ये लोग कोई आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं या इनके देश में इनके खाने के लाले लगे हैं, इनके पास खाने को भी भरपूर है। यहाँ तक कि अगर हम लोग एक एवरेज स्केल में एनुअल इनकम निकालें वहाँ के एवरेज की, द पर कैपिटा इनकम ऑफ फेरो आइलैंड इज $60,000 पर एनम, बोले तो 48 लाख रुपी पर ईयर एक एवरेज व्यक्ति वहाँ पे अर्निंग करता है। तो डॉल्फिन्स या व्हेल के ऊपर ये लोग अपने फाइनेंशियल कंडीशंस के लिए, इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट नहीं है, जो कि ये एक पार्ट है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का जो वर्ल्ड की रिचेस्ट और मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में मानी जाती है। तो ना यहाँ पर फाइनेंशियल एंगल है, ना पे यहाँ पर इनकी इकोनॉमी इस पर बेसिस पर रन होती है, बस ये एक कल्चरल प्राइड है। सी शेपर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अग्रसर रहकर इस पर काम कर रहा है, उनका तो कहना है कि ये सेंसलेस, बेसलेस, पॉइंटलेस, आउटडेटेड, क्रूअल, ब्रूटल प्रैक्टिस है जो बिल्कुल भी अगली जनरेशन तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए। और 12 सितंबर को हुए 2021 के साल में इसी डॉल्फिन्स के हत्याकांड को याद करते हुए हम लोगों ने 2022 से 12 सितंबर एज अ वर्ल्ड डॉल्फिन डे मनाना शुरू किया। वैसे तो नेशनल लेवल पे कई देशों के खुद के राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस होते हैं, जैसे भारत देश में भी एक राष्ट्रीय शिशुमार दिवस मनाया जाता है। कमेंट करके मुझे बताइए कि वो किस दिन मनाया जाता है, उस दिन डॉल्फिन पर दोबारा चर्चा होगी। और आज 12 सितंबर को हम उन 1428 डॉल्फिन्स की याद में इस दिन को वर्ल्ड डॉल्फिन डे के रूप में मनाते हैं।